I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Alright YouTube family, welcome to my channel. मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम. सो भाई, जो आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाला है. मैं सोचा नहीं था ये वीडियो दिखाऊंगा और ये इंसिडेंट को हुए लगभग 6 महीने के आसपास हो गए हैं. तो ये इंसिडेंट हमारा तब का है जब मैं छत्तीसगढ़ राइड पे गया हुआ था. तो छत्तीसगढ़ राइड हमने अगस्त में की थी. तो अगस्त में मैं गया हुआ था कोरबा. डेट थी 13 अगस्त. तो हम गए हुए थे दिन में शोरूम में रॉयल इनफील्ड के, वहाँ बाइक का काम कराया. फिर KTM के शोरूम गए, वहाँ पे बाइक का रिव्यू किया. फिर सारी चीज़ करके फुल राइडिंग गियर वगैरह पहने मेरा फ्रेंड था आयुष, आयुष के पास थी KTM एडवेंचर 250. तो हम लोग राइड पे निकले थे शाम को. तो शाम को राइड करके रात में घर लौट ही रहे थे. तो एक सुनसान एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे फुल राइडिंग गियर पहना हुआ था. हेलमेट था, जैकेट था, बूट्स थे, ग्लव्स थे, सारी चीज़ था. और हमारा एक्शन कैमरा भी हेलमेट में लगा हुआ था. ये खुशकिस्मत थे हम. तो उस टाइम क्या हुआ कि जिस जगह पे हम थे वो मतलब उसके बाजू में एक वो था, क्या नहर कहते हैं, जो नई नहर समझ रहा है, वो कैनाल थी बाजू में. और मुझे नहीं पता था कि वहाँ कैनाल है बाजू में. और अंधेरा काफ़ी था, जैसे कि आप फुटेज देख रहे होंगे. ऑलराइट, तो फिर व्हीली हमने मारा. तो नॉर्मल बेसिक व्हीली मारा, व्हीली अच्छी जा रही थी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, सारी चीज़ हो रही थी. बिल्कुल सेफ्टी इन्वायरमेंट था, बिल्कुल वहाँ बहुत कम लोग थे, वो एक तरह से फ्री जोन था. इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप स्टंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ये सेफ इन्वायरमेंट में करें, ग्लव्स जैकेट वगैरह सारी चीज़ करें. तो वही मैं भी व्हीली मार रहा था. फिर अच्छे लंबी व्हीली गई, सब चीज़ बढ़िया चल रहा था. मुझे लगा कि हाफ होल्ड मारते हैं. हाफ होल्ड मारे भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो एक बार में नहीं उचक रही थी, जैसे कि आप वीडियो देख सकते हो. और मुझे आयुष ने भी नहीं बताया ना, इतना अंधेरा था. रात के लगभग 8-9 बज रहे थे, इतना अंधेरा था. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने हाफ होल्ड के लिए जैसे ही पैर पीछे रखा और व्हीली उचकाई, तो गाड़ी जब हवा में हुई तब हुई डिसबैलेंस. और जैसे ही डिसबैलेंस हुई, गाड़ी लेफ्ट साइड को रखा है मैंने, उतने में मेरा हाथ मुड़ गया थ्रोटल की तरफ, थ्रोटल फुल हो गया और सीधे गाड़ी जाके नहर में गई, जहाँ पे पानी लगभग 30 फीट था. और मैं बाइक के साथ बिल्कुल नीचे तक गया हूँ और मुझे तैरना नहीं आता है, तैरने की बात. और ऊपर से मैंने फुल राइडिंग गियर पहने हुए थे, हेलमेट भी पहना हुआ था, और हेलमेट में भी किस्मत इतनी ख़राब कि ब्लैक वाइज़र लगा हुआ था, स्मोक वाइज़र लगा था, तो मुझे दिख भी नहीं रहा था भाई मैं कहाँ गया हूँ. हाँ मैं ठीक हूँ. सॉरी यार आयुष, भैया उसको कैसे करेंगे, गाड़ी का निकालते हैं. भैया आप आ जाइए, आप पहले ऊपर आ जाइए फिर गाड़ी निकाल लेंगे. अरे मैं तो ठीक हूँ. बाइक पानी में. ये सबसे बड़ी चीज भैया. अरे यार गलती हो गई. Thank you.
ऑलराइट, तो फिर आपने देखा कितना डरावना था ना। तो जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही बाइक पानी में गई है वो तो लकीली, जहाँ लकीली क्या क्या बोलूँ कि वहाँ जिस जगह मैंने व्हीली मारी है उसके पहले हर जगह रेलिंग लगी हुई थी, बट बाइक जहाँ से अंदर गई नहर में गई वहाँ रेलिंग ही नहीं थी। मतलब इतनी बुरी किस्मत। और एक किस्मत ये भी थी, कोई पेड़ एड़ नहीं आया है, ना कोई पत्थर अत्थर आया, नहीं तो टकरा के हड्डी हड्डी टूट सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। सीधे मैं बाइक के साथ पानी में गया हूँ और पानी भी 30 फीट नीचे और बाइक के साथ मैं भी नीचे चला गया। फिर लेकिन भगवान ने चाहा, मैंने हाथ मारा, जैसे थोड़ा बहुत तैरना आता है मुझे, पानी में कूद के ऊपर आ जाना आ जाता है, बट पानी में खड़े खड़े फ्लोट करना नहीं आता है। तो मैं जैसे तैसे तैर के ऊपर आया और किस्मत इतनी अच्छी कि हमारा स्मोक वाइज़र जो था, जो मैं एक्सेस हेलमेट यूज़ करता हूँ, उसका वाइज़र भी टूट गया था। और पानी का बहाव इतना था, क्योंकि वही आप बता रहा हूँ, अगस्त का सीज़न था, बारिश का सीज़न, और फ्लो इतना तेज़ था, मैं बह जा रहा था। आयुष लोग जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट ये गोप्रो का रिकॉर्ड हो गया। बह जा रहा था पानी, और तभी किस्मत से मुझे एक पेड़ की डगाल दिख गई, और वो डगाल जस्ट मेरे ऊपर थी, तो मैंने उसको पकड़ा और होल्ड कर लिया, और होल्ड करे करे, और मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, बहुत छोटी सी, अच्छी मोटी डगाल नहीं थी, छोटी सी ही थी, बट उसने मेरा वेट रेजिस्ट कर लिया, और कैसे ही कैसे मैं बाहर आ गया। सब लोग वहाँ, सब शौक थे, भाई कार्तिक भैया चले गए, क्योंकि गाड़ी यहाँ थी और मैं निकला था काफ़ी दूर से, और भाई काफ़ी भीड़ लग गई। फिर बाइक का क्या हुआ, बाइक के लिए पूरी रात हमने कोशिश किया, बट वहाँ के जो मछुआरे रहते हैं कोई भी तैयार नहीं हो रहा था कि क्यों जाने के लिए पानी में, क्योंकि इतना गहरा था पानी, प्लस अंधेरा प्लस बहाव, जो भी जाएगा वो डूब के ही बाहर आएगा, मर के ही बाहर आएगा। तो सब मेरे को ही बोल रहे थे कि कैसे तुम बच गए, बाइक तो गई तेल लेने, तुम कार्तिक भाई कैसे बच गए, यही शुक्र मना रहे थे सब लोग। फिर अब उस रात पूरा कोई, हमने बाइक पूरा पता लगाया कि कहाँ है बाइक, नहीं मिल रही, सब लोग बोल रहे बह गई होगी। तो हम लोग डैम साइड भी गए थे, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर में डैम था, तो सब ने बोला बाइक तो ख़राब, बाइक तो बह गई होगी। कुछ अच्छा हुआ कि वो डिगाल दिख गई, नहीं तो मैं अभी बाहर नहीं आ पाता। और वहाँ बता रहे थे कि रोज़ एक दो मौतें होती हैं, बट लकीली मैं किस्मत वाला था। तो फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हम लोग सुबह उठे, FIR वगैरह किया, और सारे मछुआरों जगह जगह ढूंढने की कोशिश किए, तब जाके कुछ लोग थे जो बोले कि हम चलिए कोशिश करते हैं, आप रस्सी ले आओ। तो सारी चीज़ें, फिर रस्सी अस्सी का जुगाड़ किए, फिर उनने पूरा 1 घंटा ढूंढा बाइक। तो बाइक भी फिर आखिरकार मिली, काफी दूर थी। पहले बांध दे ऊपर भाई। अगर GT के साथ जाते तो भाई क्या होता, वो तो चलो एडवेंचर थी, उसमें पैर एयर नहीं फंसा और गाड़ी उतनी हैवी नहीं थी। अगर इतनी हैवी बाइक के साथ मैं जाता और कहीं फंस जाता ना, तो भाई सीधे लग जाते। एक तो मैं पूरी राइडिंग जैकेट के साथ था, हेलमेट के साथ था, तो सोचो इतना वेट हो गया था, पानी हर जगह घुस गया था, और इसी में मेरा नुकसान भी हो गया था। एक मैं वेस्ट बैग लेके गया था जिसमें मेरे बैटरी, चार्जर, माइक सब था, लगभग 8 से 10 हज़ार का सामान था, वो बह गया। बट लकीली हमारा GoPro सर्वाइव हो गया। जैसे ही हेलमेट पानी के अंदर गया है, GoPro का यहाँ से माउंट टूट के वो सिर्फ एक ऑडियो जैक पे लटक रहा था। जब मैंने हेलमेट रखा बाहर, मेरे को तो लगा GoPro गया, पर जैसे ही हेलमेट रखा तो GoPro भी टंगा हुआ था। मैंने बोला हे भगवान, चलो इसी बहाने फुटेज तो आई हमारे पास। तो बाइक का समय बहुत डर लग रहा था कि बाइक मिलेगी नहीं कि नहीं मिलेगी। अगले दिन फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद मछुआरों ने निकाला, बाइक पूरी डैमेज हो गई थी, पानी हर जगह भर गया था। यही मकसद था ये वीडियो बनाने का, आपको जताने का कि भाई लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ सडन एकदम आप ऊपर भी जा सकते हो, एकदम आप नीचे भी जा सकते हो। तो भाई राइड केयरफुली, तब से मैंने सोच लिया भाई कि पब्लिक रोड पे या फिर मतलब ऐसी कोई डेंजर जगह पे को भी स्टंट नहीं करना है, फुल राइडिंग गियर पहन के ही करना है, और एकदम न खुद को न दूसरों को चोट पहुंचाना है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि आप मेरी गलती से सीखे, मैं भी काफ़ी सीख गया उस दिन के बाद से। होप इस वीडियो से आप कुछ सीख गए होगे, और बाकी अगर एंटरटेन हुए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ। That you'll be dead to me.